Hello students, myself Sukhchan Singh, math teacher. Today we will solve this question of practical zone 2, chapter number 1. How we will solve it? Bada easy hai. 2x plus 5 equals to 3x minus 10 LED likhenge. Constant ek taraf karne hai, variable ek taraf kar lenge hum. Variable matlab hai jo jinke sath x lagi hui hai. एक्स वाले एक तरफ कर रहे हैं, दूसरे एक तरफ कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में देख रहा हूँ, एक्स वाले माइनस थ्री एक्स हो गया मेरे पास, इक्वल्स टू राइट में क्या है माइनस टेन, राइट में चला गया ये इधर से, लेफ्ट से राइट में गया फाइव, तो सिंपल चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा मेरे पास। तो टू एक्स, देखो ये टू एक्स है माइनस थ्री एक्स है, टू माइनस थ्री, टू में से थ्री तो माइनस हो सकते पॉसिबल नहीं है, थ्री माइनस टू क्या है मेरे पास वन है, तो साथ में एक्स पर सिंपल किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होता है, बड़ा नंबर है थ्री, थ्री के साथ है मेरे पास माइनस, तो माइनस लग जाएगा माइनस वन एक्स इक्वल्स टू, देखो माइनस माइनस प्लस, जहां आप ऐसे करो दोनों में से माइनस कॉमन निकालो, तो ये प्लस का बन गया, फाइव भी किसका बन गया प्लस का बन गया, ठीक है। दो माइनस बार गई कॉमन में डाल दी, तो ये भी प्लस का बन गया, ये भी प्लस का बन गया, माइनस वन एक्स का मतलब एक्स ही होता है इक्वल्स टू माइनस फिफ्टीन। बोथ साइड से आप मल्टीप्लाई कर दो माइनस वन से, बोथ साइड को आप माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, जब आप सीधा भी ऐसे माइनस कट कर सकते हो, वो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस वन, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट को तो कर दिया, अब राइट को करेंगे, देखो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि माइनस को माइनस कट कर देती है, माइनस माइनस कट हो गए, एक्स वन का एक्स आएगा इक्वल्स टू माइनस माइनस ऐसे कट हो जाते हैं, 51 का 15, सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 15, प्लीज नोट डाउन। नाउ वी विल सॉल्व द बी पार्ट, सेम प्रोसेस है, ये कांस्टेंट है मेरे पास, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक साइड पर चलेंगे, वेरिएबल एक साइड पर, देखो एक्स आंसर यहां से स्टार्ट कर देते हैं, इक्वल टू लिख देंगे, फिर यहां पर एक्स ये लेफ्ट में आएगा तो क्या बनेगा, ये लेफ्ट में आएगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, इस तरफ आकर माइनस थ्री एक्स इक्वल टू वैसे का वैसे आ गया मेरे पास, राइट में वन है, ये राइट में चला जाएगा तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा प्लस फाइव बाय सेवन। आराम से देखो मैंने किया क्या, एक्स वाले में एक साइड पर ले गया, दूसरे एक साइड पर ले गया, पर दूसरी साइड में जाएगा कोई भी नंबर तो उसका सिंपल चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाता है माइनस प्लस में हो जाता है, ये लेफ्ट में गया तो माइनस हो गया, ये राइट में आया प्लस हो गया, ये अपने प्लेस पर था, ये अपने प्लेस पर था, तो इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है, इसका सिंपल नहीं हमें चेंज करना। देखो ये वन एक्स है, ठीक है, कुछ भी नहीं लगा तो वन तो है, वन माइनस थ्री नॉट पॉसिबल, पर थ्री माइनस वन टू, साथ में एक्स सिंपल किसका आएगा बढ़ेगा, बड़े कौन है थ्री, थ्री के सामने माइनस इक्वल्स टू, देखो यहां पर क्या है नीचे वन है, सेवन एंड वन का एलसीएम क्या आएगा सेवन आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए आपको, जैसे आपने सिक्स सेवन्थ में आपने किया प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर क्या होते हैं, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं टू थ्री फाइव सेवन इलेवन अप टू सेवन, ऐसे आपके पास काफी सारे नंबर होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है एलसीएम लेना है, एलसीएम कैसे लोगे, वन एंड सेवन का एलसीएम, यहाँ पर प्राइम नंबर ही आएंगे आपके पास, टू पर नहीं जाएगा, थ्री पर नहीं जाएगा, फाइव पर नहीं जाएगा, ये सेवन पर ही जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास एलसीएम इक्वल्स टू सेवन आया, सो मैंने एलसीएम लिख दिया। एलसीएम लिखने के बाद क्या करना है, एलसीएम को डिवाइड करना है फर्स्ट फ्रैक्शन के जो नीचे डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, इसके साथ डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली सेवन ही आएगा, सेवन को आपको ऊपर मल्टीप्लाई करना है, मैंने किया क्या सेवन का सेवन लिख दिया, दोबारा सुन लो, पहले मैंने क्या करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट हो गया मेरे पास, नाउ एलसीएम को नीचे वाले ब्रैकेट, जो मैंने फ्रैक्शन का काम कर रहा हूं नीचे वाले के साथ डिवाइड कर देना है, कर दिया सेवन आंसर आया, सेवन को ऊपर मल्टीप्लाई करना है, सेवन का सेवन प्लस एलसीएम को
एलसीएम को नीचे वाले के साथ दूसरी फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, नीचे वाले के साथ डिवाइड कर देना है, तो आंसर है आपके पास 1, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 12/7। अंडरस्टैंड? अब देखो ये माइनस 2 क्या हो रहा है, पूरे का पूरा x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जहां आप ऐसे याद रख लो, अगर इस तरफ कोई जैसे इसके डाउन में क्या निकाल सकते हैं, हम 1 निकाल सकते हैं, यहां पर क्या है माइनस 2/1 है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहले तो इसका माइनस का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, है ना, तो माइनस का कुछ करने के लिए मैं वापस सॉल्व करने वाला हूँ। आपके पास है माइनस 2x इक्वल्स टू 12/7। देखो एज ए टीचर मेरे पास तो एक क्वेश्चन को करने के लिए 2, 3 अप टू 5 टाइप्स होते हैं मेरे पास, जैसे 5 टाइप्स से मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, पर मैंने आपको वो सिखाना है जो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। अगर आपको ये अच्छा ना लगे तो आप कोई और भी अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड बाय माइनस 1, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस 1, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट को भी राइट को भी, माइनस माइनस प्लस, 2x को 1 के साथ किया 2x, प्लस माइनस माइनस 12/7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 12/7 ये रहेगा। अब क्या रह गया 2, बोथ साइड्स डिवाइड बाय 2, बोथ साइड को आपने 2 के साथ डिवाइड करना है, इसे हम 2 के साथ कर दिया, तो आप इस साइड को भी 2 के साथ क्या करोगे, डिवाइड कर दो, दोनों को 2 के साथ डिवाइड कर दिया, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया आपके पास। अब आएगा क्या, अब x बचा दूसरी साइड पर माइनस 12/7, ये जो न्यूमिनेटर होता है कुछ भी नहीं करना हमें, एज भी रख देना है, तो 2 के नीचे क्या है डिनोमिनेटर में, 2 के नीचे है 1, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, अपनी ओर से 1 निकाल सकते हैं, तो इसका उल्टा जिसे कहते हैं उल्टा कर देंगे तो 2/1 है, तो ऊपर जाकर क्या बन जाएगा 1/2 बन जाएगा। तो x इक्वल्स टू ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई नीचे को नीचे मल्टीप्लाई, ये माइनस का नंबर है ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, 12 को 1 के साथ मल्टीप्लाई की 12, 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है 7 × 2, मैं 14 भी लिख सकता था पर मैंने जानबूझकर नहीं लिखा क्योंकि मुझे कटिंग हो रही है, 2 के साथ देखो दोनों कटिंग हो रहे हैं, 2 × 2 के साथ डिवाइड किया 6, एक्स इक्वल्स टू माइनस 6/7, दिस इज योर फाइनल आंसर। सी पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है, ओके, प्लीज नोट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दिस स्टेटमेंट वेरी केयरफुली, डिवाइड 42, डिवाइड करना है 42 को इनटू टू पार्ट्स में करना है, इन सच अ वे दैट 4/5 पार्ट ऑफ 4/5 ऑफ 1 पार्ट इज इक्वल टू 3/5 ऑफ द अदर पार्ट। वो क्या बोल रहा है कि मेरे पास 42 को ऐसे डिवाइड करना है कि किसी एक पार्ट का 4/5 इक्वल्स टू 3/5 ऑफ द सेकंड पार्ट इक्वल। देखो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे मैं आपको बोलूं 10 को आप टू पार्ट्स में डिवाइड करो, फर्स्ट पार्ट है 2 और 2, तो सेकंड पार्ट क्या आएगा, ऑटोमेटिकली 5 आएगा, तो 10 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 × 5, ओके। नाउ लेट अस सपोज
मैंने 42 को डिवाइड तो कर दिया पर इसका एक पार्ट है एक्स, दूसरा पार्ट है वाई है, क्योंकि मैंने मुझे इसने डिवाइड करने को बोला है, तो एक पार्ट में एक्स चलेंगे दूसरे में वाई चलेंगे, ठीक है। एक्स एंड वाई में दो हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया, ये इक्वल है या नहीं है मेरा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, मैं इतनी साइड एक तरफ कर दी, इतनी साइड एक तरफ कर दी मैंने, तो ये भी डिवाइड है, तो चाहे इक्वल डिवाइड हो जाओ चाहे अनइक्वल डिवाइड हो, डिवाइड है। लेट वी डिवाइडेड, वी हैव डिवाइडेड 42 इन टू पार्ट्स दैट आर x and y. Let first part equals to x and second part equals to y. पहला पार्ट है x, दूसरा पार्ट है मेरे पास y है, तो according to ये क्वेश्चन हम अगर देखें तो मुझे कह कह रहा है, अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट मुझे वो कह रहा है कि 4/5, अकॉर्डिंग टू दी स्टेटमेंट 4/5 ऑफ वन पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट क्या है एक्स इक्वल्स टू इज इक्वल्स टू 3/5 ऑफ अदर पार्ट मतलब सेकेंड पार्ट कौन है y, 4/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई y, तो मेरे पास आया गया 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 4x डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 3 को y के साथ मल्टीप्लाई किया 3y डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो आपके पास एक स्टेटमेंट बन गई, इक्वेशन बन गई, तो यही आपके पास रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये पार्ट की सो प्लीज ज्यादा नोट कर लेना, 5 आके कैंसिल हो गए थे पर हम करेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, प्लीज नोट डाउन। नाउ स्टूडेंट वी विल सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेटमेंट sum of the digits of a two digit number, sum लेना है digits का, digit क्या होते हैं single element, जैसे English का element होता है ना, अब 0 से लेकर 9 तक जितने भी है इसे digit बोलते हैं, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 तक क्या है मेरे पास ये digits है, sum of the digit of a two digit number is 9, the and the number itself is equal to twice the sum of its digit, find the number, answer में चलते हैं, कैसा क्या है अभी समझ लग जाएगी। एक टू डिजिट नंबर है जिसके डिजिट्स का प्लस 9 है, let us suppose the word required को शॉर्ट में लिख सकते हैं, required टू डिजिट नंबर, required टू डिजिट नंबर इक्वल्स टू एक्स वाई, एनओ मीन्स नंबर, तो सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट क्या है इसके, एक एक्स है दूसरा वाई है, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट सम ऑफ डिजिट्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 9, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, मैंने याद रख लिख दिया। आगे बोला है द नंबर इटसेल्फ, इटसेल्फ आप खुद, ठीक है, द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू ट्वाइस दी सम ऑफ इट्स डिजिट,
फाइनली नंबर, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, आपने एंड लिखना है यहाँ पर। यहाँ से पढ़ो दोबारा, द नंबर इटसेल्फ इज, नंबर इटसेल्फ कौन है, एक्स वाई, इज इक्वल मतलब इक्वल्स टू, टू ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू, द सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स डिजिट मतलब सम ऑफ इट्स डिजिट एक्स प्लस वाई। पर मेरे पास तो देखो एक्स वाई इक्वल्स टू टू, एक्स प्लस वाई की वैल्यू है मेरे पास 9, तो एक्स वाई कितना है मेरे पास 2 9 18, तो वो नंबर कौन है 18 है। देख लो 8 प्लस 1 या 1 प्लस 8 9 ही होता है। मैं दोबारा समझा देता हूँ, लेट अस कोई दी रिक्वायर्ड नंबर एक इज एक्स वाई, दोनों का प्लस कितना है डिजिट्स का 9 है। आगे बोल रहा है द नंबर इज, नंबर कौन है एक्स वाई, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट लिख दिया ट्वाइस मतलब डबल, तो एक्स वाई एलईडी आ गया, 2 एलईडी आ गया, एक्स प्लस वाई अपने पास 9 था, 2 9 जाएगी, तो यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। रिक्वायर्ड नंबर इज 18, अंडरस्टैंड। सो प्लीज यहां तक नोट कर लेना और ज्यादा से ज्यादा ट्राई करना क्वेश्चन सॉल्व करने की, आपके पास एग्जांपल्स है एक्स वाई के पीछे, सो वो आपने ट्राई करनी है खुद से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।